तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आए हैं जिससे आप 500 रुपए से लेके 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। आपको बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बस अपने मोबाइल से लोन ले सकते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं, मतलब आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, और बगल में आपको बेल का आइकन मिल जाएगा, उसको टर्न करके जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पे डालूंगा तुरंत दौड़ से आपके पास पहुंच जाएगा, और आप उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसको भी लाइक कर दीजिए अभी। तो सबसे पहले मैं उस ऐप के बारे में बताता हूँ। उस ऐप का जो नाम है वो येलो ऐप है, YELO। तो आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और मैं सबसे पहले आपको इस ऐप के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये लोन का मामला है, मतलब पैसों का मामला है, तो आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो आप देखिए। और अगर आपको कोई भी चीज समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए, कुछ गलत ना करिएगा, नहीं तो आपका पैसा ज्यादा कट जाएगा या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ऐप में आपको क्या क्या करना पड़ेगा तब आपको लोन मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, बैंक अगर आप लोन लेंगे तो आपको वहां से बहुत सारे सिक्योरिटीज देनी पड़ती है, आप अगर कोई चीज लोन लेंगे तो, नहीं तो आपको बहुत सारे साइन करना पड़ेगा, पेपर्स पे साइन करना पड़ेगा, और कई बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, मैनेजर से बात करना, या बहुत सारी चीज रहेगी। लेकिन अगर आप इस ऐप से लोन लेते हैं तो आपको सिंपली लोन मिल जाएगा अपने मोबाइल फोन से, आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा और बैंक अकाउंट में आपके पैसा आ जाएगा। और बहुत ही अच्छा ये ऐप है, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पुराना ऐप है और बहुत ही पहले से इसको लोग यूज कर रहे हैं इस ऐप को, और बहुत सारे लोग इससे लोन भी लिए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसमें सिर्फ मिनिमम 500 रुपीज तक का लोन ले सकते हैं, 500 से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अगर आपको कम पैसे का लोन चाहिए तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए 500 का या 2000 का लेके, उसके बाद आप 5 लाख या 4 लाख 2 लाख जितना भी आपको लेना हो आप आराम से इस ऐप से ले सकते हैं। और फुली ट्रस्टेड ऐप है, आपको इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैंने इस ऐप से बात किया है, यहाँ पे आपको सारा चीज जो मिलेगा वो सिक्योर रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको इस ऐप में नहीं होगी। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपको ऐप में से लोन कैसे लेना है। तो चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके आ चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे जिस तरीके से इंटरफेस दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट सिंकअप कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपना अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा उस ऐप का, जब आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे ऐसे कि, जिससे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट स्कोर, बाकी सबको यहाँ पे देख सकते हैं। लोन अमाउंट यहाँ पे आपको 2000 से लेकर 2 लाख तक लोन मिल जाएगा, और इंटरेस्ट आपको देख सकते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट आपको मिनिमम 0.05% से लेके आपको 0.09% तक आपको इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, 1 साल के लिए आपको यहाँ पे टाइम पीरियड मिल जाएगा। और आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी भी अगर ऐप से आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको डाउनलोड एंड अप्लाई करके वहाँ से डायरेक्ट आपको लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी ऐप में कंपेयर करना है कि आपको किस से आपको लोन लेना है और कौन सा सबसे कम इंटरेस्ट जिसमें लगेगा, इंटरेस्ट चार्ज जो रहेगा जब आप लोन लेते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट बैंक को भी बैंक लेता है ना, जैसे आप अगर 1 लाख ले रहे हैं तो आप बैंक आपसे साल भर में 1,10,000 या 1,05,000 लेगा, तो आपको वो मिनिमम कम देना पड़ेगा। जैसे कोई बैंक है या कोई ऐप है जिसमें आपको 1,10,000 देना पड़ा अगर आप 1 लाख का लोन ले रहे हैं, और कोई ऐप ऐसा है जिसमें आपको 1 साल के बाद 1,05,000 का लोन देना पड़ेगा जब आप पूरा सबमिट करेंगे, तो आपको 5,000 देना पड़ेगा, नहीं तो आपको 5,000 देना पड़ेगा इसमें, ऐसा 10,000 देना पड़ेगा, सॉरी 5,000 आप किसी में देना पड़ा, किसी में 10,000 देना पड़ा, तो इसी से ही आप 5,000 दीजिए, 10,000 देने से क्या फ़ायदा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कंपेयर का ऑप्शन मिल जाएगा सारे ऐप में, तो आप यहाँ पे जाइए कंपेयर पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे एम पॉकेट से, जैसे यहाँ पे जैसे एम पॉकेट फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे मैं एक लेता स्मार्ट कॉइन से भी आप लोन ले सकते हैं, और यहाँ पे एक ले लेता हूँ ऐप कोई भी कैसी है, जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं दो यहाँ पे मैंने ले लिया स्मार्ट कॉइन और कैसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये येलो ऐप है जो यहाँ पे पूरा सारा चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल दिया जाएगा। यहाँ पे 5,000 से 2 लाख ले सकते हैं लोन, और यहाँ पे 1,000 से लेके 5,000 तक का इस ऐप से लोन ले सकते हैं, और इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद तो इंटरेस्ट चार्ज देख सकते हैं आप, स्मार्ट कॉइन जो है इसका बहुत ही कम इंटरेस्ट चार्ज है, यहाँ पे आपको 0.01% का बस इंटरेस्ट चार्ज लगेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा इंटरेस्ट चार्ज ज़्यादा है। तो और उसके बाद फिर रेटिंग की बात करते हैं कि आपको बहुत सारे लोग लिए रहते हैं इस ऐप से लोन, तो उसके बाद रेटिंग करते हैं कि हाँ ये ऐप कैसा है, अच्छा या नहीं अच्छा है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड इसका जो है 1 डेज से लेकर 120 डेज तक, मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा कम डेज मिलेगा उसमें आपको सबमिट करना रहेगा लोन। और यहाँ पे देख सकते हैं
180 डेज़ के लिए आपको यहाँ पे टाइम पीरियड मिल जाएगा। उसका रेटिंग देख लेते हैं, रेटिंग में 4.43 की रेटिंग दी गई है, 4.4 लगभग सेम इक्वली 0.7% यहाँ पे रेटिंग जो है कैसी की थोड़ी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लोन चाहिए तो यहाँ पे आप जाइए डायरेक्ट डाउनलोड ऐप पे, डायरेक्ट डाउनलोड ऐप पे जाके यहाँ से आपको प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। जब आप डाउनलोड ऐप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सिंपली जाके उस ऐप को डाउनलोड करिए और ऐप जो लोन लेना रहेगा वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आते हैं फाइनेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फाइनेंस ऑफर भी मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं धनी ऐप या SBI कार्ड से आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑफर भी मिल जाएंगे, फाइनेंसियल ऑफर। उसके बाद क्रेडिट स्कोर, इस ऐप से आप क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, देख सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे आप सिंपली जाइए चेक माय क्रेडिट स्कोर, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, फिलअप्स करने रहेंगे आपके बारे में, यहाँ पे सारी थोड़ी बहुत डिटेल रहेगी, उसको आप फिलअप्स करिए। उसके बाद सिंपली आपको क्रेडिट स्कोर जो है चेक हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर का काम कब लगता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्रेडिट स्कोर चेक किया रहता है। उसमें क्या रहता है कि अगर आपने पहले कभी लोन लिया है और उसको किस टाइम से सबमिट किया, मतलब टाइम के अंदर सबमिट कर दिया है या टाइम ज़्यादा आप लगा दिए, कैसे सबमिट करते हैं, उसी पे आपका क्रेडिट स्कोर जो रहता है वो डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है। और अगर आप कभी लोन लिए ही नहीं तो उस पर कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जाके ले सकते हैं। और कभी लोन लिए हैं तो आप जाके चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन, तो इसमें कुछ नहीं, अगर आप लोन ले रहेंगे जो भी आपका नोटिफिकेशन आया रहेगा, सारा चीज़ ऐप बनाएंगे तो यहाँ पे सारा रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कैसे दोस्तों।